चलो चलो उठो रजत, सुबह हो गई है। अरे सोने दो ना सभी, मुझे नहीं उठना यार। रजत क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, रुको अभी तुम्हारी नींद उड़ाती हूँ। ओफो सभी, तुम मुझे सोने भी नहीं दे रही हो। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, प्लीज। देखती हूँ कैसे नहीं उठते हो तुम। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिर एक बार शुरू हो चुकी है रजत और सभी की नोकझोंक। देखिए तो कैसे वो सुबह सुबह रजत को उठाने पहुंच गई है। और आज रजत ये नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रजत को जाना है हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट के लिए, जिससे रजत काफी डरते हैं और सभी उनके पीछे पड़ गई है कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर ही जाएगी। ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट है, उठिए। क्यों उठिए? अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मैं थका हुआ हूं, सोने दो प्लीज। ऑफिस जाना होता तब तो आपको थकान नजर नहीं आती, और आज जब हॉस्पिटल जाना है तो सही की तरह जिद कर रहे हो। उठिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे बोल रहा हूं नहीं जाना है। कुछ नहीं, उनका नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, बट क्योंकि रजत को बड़ा डर लगता है इंजेक्शन से तो मैं उन्हें चिढ़ाती हूँ कि हाँ चलो आप छोटे बच्चे जैसे जिद करते रहते हो और वो थोड़ी सी नोकझोंक है हमारी फन वाली। भाई जैसे तैसे रजत रेडी तो हो गए हैं, लेकिन अब उन्होंने सबके सामने कह दिया है कि वो अस्पताल सभी को लेकर जाएंगे, जिस बात पर घर वाले रजत को छेड़ रहे हैं। और सही में कैंसर वापस आ गया साथ में से भी। चलो कि हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया है, बट हाँ अब तो हम मान ही चुके हैं कि वो मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी वाइफ हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हस्बैंड वाइफ साथ में करते हैं वो हम साथ में करते हैं, जैसे वो अपने एक फ्रेंड के किसी सेलिब्रेशन किसी पार्टी में जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ही चलना पड़ेगा, तुम्हें मेरी वाइफ हो तो सबसे मिलाना पड़ेगा। तो हाँ वो क्यूट बैंटर तो हमारा चलता ही है और बस वही चल रहा है। वो एक्चुअली रजत भाई का ब्लड टेस्ट होना है और रजत भाई को नीडल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो कुछ बहाना बना करके भाभी को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो उनके साथ चली जाए। पहले वो सही का बहाना दे रहे थे कि सही को साथ में पिक कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तभी मैंने ये नोटिस कर लिया कि भाई जो हैं वो किसी बहाने से भाभी को ले जाना चाह रहे हैं। तो मैंने मजाक में उन्हें बोल दिया कि भाभी ज़बरदस्ती आपको ले जाना चाह रहे हैं, सही का बहाना दे रहे हैं, इनको लगता है डर इंजेक्शन से, और जब इनको डर लगेगा तो इन्हें चाहिए किसी के साथ, तो इसलिए आपको ले जाना चाह रहे हैं। तो रजत भाई इस बात पर मुझसे गुस्सा हो गए कि मुझे टीज़ कर, तू मुझे टीज़ कर रहा है, मेरा छोटा भाई है और ये है, तो उन्होंने मुझे डांट दिया एज यूजुअल। डांट तो मुझे पढ़नी थी क्योंकि मेरे काम ऐसे हैं। भाई ये सब तो हुआ खत्म, इसके बाद शुरू हो गई नई परेशानी जहां पर रजत की मम्मी तारा को लेकर फिर एक बार परेशान है। ऐसे में रजत और सभी उन्हें समझाने की और सोल्यूशन निकालने की कोशिश में लगे हुए है। और ये मत भूल उनकी जान अभी बची है, खतरे से बाहर निकली है वो, और ये बात आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा ना, तो उसे अच्छा ना कि हम तारा को बता दें। परेशानियां तो चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल रजत और सभी की नजदीकियां बढ़ रही हैं क्योंकि रजत भी तो सभी के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज कर देता है जिससे हो जाती है वो इम्प्रेस। जैसे कि शादी के समय उन्होंने सभी की मम्मी को अपने गोद में उठा लिया था,
क्योंकि सभी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए रजत अपनी सासू माँ को देखिए कैसे गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। भाई यही तो होता है रिस्पेक्ट, और रजत वो बखूबी निभाते हैं जिससे सभी हो गई है इम्प्रेस। तो भाई अब सभी और रजत की ये लव स्टोरी कितनी आगे जाएगी ये देखना होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बच्चे मन के सच्चे, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।